जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो गेंद देकर बात खत्म कर दे उसे वैल का भी बाप कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक वैल नाम की लड़की की है जो अपने हवस के चलते हवस की पुजारन बन जाती है और अपने शरीर का तापमान ठंडा करने के लिए कई लड़कों से अपनी तितली का काला काला चमगादड़ बनवाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस लौंडिया की तितली की गहराई को। मूवी की स्टार्टिंग में हम वैल को देखते हैं जो कि अपने दादे के घर झूला झूल रही होती है, और तभी उसके बाद वैल की दादी वहाँ आती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम बचपन में भी अपना दिन ऐसे ही गुजारा करती थी। अब वैल अपनी दादी से पूछती है कि दादी, क्या आपका पहले कभी बॉयफ्रेंड था? जिस पर वैल की दादी कहती है, नहीं, मेरी लाइफ में तुम्हारे दादा के अलावा कोई भी नहीं था, और हमारे टाइम पर ऐसा करने पर जान से मार दिया जाता था। और उसकी दादी कहती है, अगर मुझे बंदाबाजी करने का मौका मिलता तो मैं मियां खलीफा को भी पीछे छोड़ देती। अब वैल अपनी दादी से कहती है कि सबकी सोच आपकी जैसी होती, क्योंकि जब लौंडे एक से ज्यादा लौंडिया के संग रिश्ते रखते हैं तो उन्हें मैचो कहते हैं, और यही काम लौंडिया करती हैं तो उन्हें स्लट कह दिया जाता है। अब यहाँ वैल की दादी उससे कहती हैं कि तुम दूसरों की बातें मत सुनो, और अगर तुम किसी भी चीज में कंफ्यूज हो तो अपने थॉट्स को पेपर में लिखो, जिससे तुम्हें क्लियरिटी आएगी। और बस इतना कहकर वैल और उसकी दादी डिनर करने चले जाते हैं। अब इसके बाद हम वैल की वॉइस में उसके पास्ट को देखते हैं कि वैल ने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक एडवर्ड नाम के लड़के से अपने तितली का गेट खुलवा लिया था, और पहली बार भट्टाभट करने से उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो उसने एडवर्ड के साथ कई बार भट्टाभट किया, और अब इतने सालों के बाद भी वैल को भट्टाभट करना बहुत पसंद था। अब नेक्स्ट सीन में हम वैल को उसकी दादी के साथ देखते हैं, जहां वैल की दादी उससे कहती है कि तुम डायरी क्यों लिख रही हो? मैंने तो बस तुम्हें एक पेपर में ही लिखने को कहा था, और डायरी वो लोग लिखते हैं जो अकेले होते हैं। अब इधर अचानक से लाइट चली जाती है और वैल बहुत डर जाती है। अब उसके बाद हम वैल को एक एलेक्स नाम के लड़के के साथ भट्टाभट करते हुए देखते हैं। एलेक्स की गर्लफ्रेंड होती है और वैल को भी ये बात पता है, और इसके बावजूद भी वैल अपनी प्यास बुझाने के लिए एलेक्स से अपना पलंग तोड़ ढोल बजवाती है। अब वैल का एलेक्स से और पिलवाने का मन करता है, पर इधर एलेक्स कहता है, ओ मियां खलीफा की हमशक्ल, तेरी प्यास बुझाना मेरी बस की बात नहीं है, और ये कहकर एलेक्स वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम वैल को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां उसके दोस्त हसन का कॉल आता है जो कि उसके सिटी में आया हुआ है, और हसन वैल को उससे मिलने की कहता है, और वैल भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब इधर वैल बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि हसन ही वैल की प्यास बुझा सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वैल और हसन को भट्टाभट करते हुए देखते हैं। अब काफी देर तक ये दोनों भट्टाभट करते रहते हैं, और इसकी वजह से नेक्स्ट डे वैल बहुत लेट ऑफिस पहुंचती है। अब इधर सोनिया वैल को बताती है कि हसन की वजह से बहुत लोगों को ऑफिस से निकाला जा रहा है, और अगर तुम लेट आओगे तो तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। अब सोनिया वैल से बोलती है कि वो वन नाइट स्टैंड जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करती है, और वो उसी लौंडे के साथ भट्टाभट करेगी जिससे उसकी शादी होगी। अब वैल कहती है कि मेरा मानना है कि हमें चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स और वैल को भट्टाभट करते हुए देखते हैं, और यहाँ वैल एलेक्स से कहती है वो बिना रुके पूरे दिन भट्टाभट करना चाहती है। अब ये सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, और वो वैल से कहता है कि तुम्हें सेक्स के अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? अब इस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, और एलेक्स अपने सिस्टम को लेकर वहां से चला जाता है। अब एलेक्स के जाने के बाद वैल खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है, और वो अपना टाइम काटने के लिए बाहर घूमने चली जाती है। अब बाहर वैल को एक स्टैंड पर एक आदमी मिलता है, और वो उस आदमी के साथ भी भट्टाभट करना चालू कर देती है, पर वैल को उस आदमी के साथ भी चरम सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अब अगले सीन में वैल नहा रही होती है, और तभी वो देखती है कि एक आदमी उसे छिपकर देख रहा है, और इसके बाद वैल अपनी बॉडी को छूकर उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है, पर तभी वो रुक जाती है और पर्दा लगा देती है। अब वैल अपने ऑफिस जाती है, और ऑफिस जाने के बाद वैल को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, पर वैल को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन वैल के पास एक कॉल आती है, और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, जिसके बाद वैल अपनी दादी से मिलने उनके घर आ जाती है, और यहाँ वैल अपनी दादी से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी दादी कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। इसके बाद वैल अपनी दादी को सारी बातें बता देती है कि वो किसी भी आदमी का
हैंडपंप देखने के बाद अपनी हवस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब वैल की दादी उससे बोलती है कि तुम्हें दुनियादारी की टेंशन को छोड़कर अपनी लाइफ को मजे से जीना चाहिए। अब वैल की दादी वैल को अपना स्वेटर लाने को कहती है, लेकिन जब तक वैल स्वेटर लेकर आती है तब तक उसकी दादी की डेथ हो जाती है। और ये देखकर वैल बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि एक उसकी दादी ही थी जो उसे अच्छे से समझती थी, और इसी वजह से वैल उन्हें हमेशा याद करके रोती है। अब नेक्स्ट सीन में वैल एक कंपनी में जॉब का इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ का मालिक उसका रेज्यूम देखकर उसे जॉब पर रख लेता है। पर वैल उस कंपनी के मालिक से बोलती है कि इसी हफ्ते मेरा एक और इंटरव्यू है, और अगर मेरा सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हो पाता है तो मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी। अब वैल अपना दूसरा इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ उसका वो इंटरव्यू उस कंपनी का जनरल मैनेजर जैमी लेता है, और जैमी वैल का इंटरव्यू लेने की बजाय उससे बातें करने लगता है, और बातों ही बातों में जैमी वैल के सिंगल होने का पता लगाने लगता है, और ये बात वैल को समझ आ जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैमी और वैल डेट पर जाते हैं, और यहाँ जैमी वैल को प्रपोज कर देता है और वैल भी उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब वैल ये सारी बात सोनिया को बताती है, जिस पर सोनिया वैल से कहती है कि शायद तुम्हें जैमी से प्यार हो गया है। अब हम देखते हैं कि वैल और जैमी अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। अब कुछ दिनों बाद ये दोनों भटावट करते हैं, और यहाँ वैल को जैमी से भी पलंग तोड़ ठुकाए का चरम सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, पर वैल इस बात को इग्नोर कर देती है। अब जैमी ने नया घर लिया होता है और वो वैल को अपना नया घर दिखाने के लिए जाता है, और यहाँ जैमी वैल को अपने साथ इसी घर में रहने को बोलता है, और यहाँ वैल भी मान जाती है। अब वैल पैकिंग कर रही होती है और वहीं सोनिया उसकी पैकिंग में हेल्प कर रही होती है। अब सोनिया बोलती है, तुम ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हो, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैमी तुमसे एज में काफी बड़ा है और वो डिवोर्सी भी है और उसके दो बच्चे भी हैं। पर वैल ये सब बात पहले से ही जानती है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को उसी घर में देखते हैं। वहीं डिनर करते वक्त वैल जैमी को फालतू खर्चे करने के लिए मना करती है, और वहीं जैमी कहता है कि अगर पैसों को खर्चा ना जाए तो वो किस काम के हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जैमी बहुत खर्चीला इंसान है। अब नेक्स्ट डे वैल के पास उस कंपनी के ओनर का फोन आता है और वो वैल को अपनी कंपनी ज्वाइन करने की बोलता है, पर ये बात जैमी भी सुन लेता है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो वैल को उल्टा सीधा कहने लगता है। अब वैल अपने ऑफिस जाती है पर वो वक्त से घर नहीं आ पाती। फिर जैमी वैल के ऑफिस पहुंच जाता है और उसके बॉस को उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसके बॉस से लड़ाई करने लगता है, पर वैल उसे संभाल लेती है और उसे घर भेज देती है। अब कुछ देर बाद जब वैल घर आती है तो वो जैमी को एक कॉल गर्ल के साथ देखती है, और जब जैमी वैल को देखता है तो वो वैल को उन्हें ज्वाइन करने को कहता है। अब जैमी सारा सिस्टम सेट कर देता है, पर जैमी के पास उस कॉल गर्ल को देने के लिए पैसे नहीं होते, तो वैल उस कॉल गर्ल को पैसे दे देती है। अब ये सब देखने के बाद वैल काफी परेशान हो जाती है और जैमी को छोड़ने का डिसाइड करती है। अब वैल ये सारी बात सोनिया को बताती है, और ये सारी बात जानने के बाद सोनिया वैल को वहाँ से ले जाने लगती है। अब ये देखकर जैमी वैल से माफी मांगने लगता है, पर वैल नहीं रुकती और सोनिया के साथ चली जाती है। अब वैल अपने पुराने वाले घर में चली जाती है। अब वहाँ वैल बहुत डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि जैमी ने उसकी सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी। अब वैल सुसाइड करने के लिए बालकनी में चली जाती है, पर वो सुसाइड नहीं कर पाती। अब सोनिया वैल से मिलने आती है और वैल सोनिया को अपनी प्रॉब्लम बताती है, जिस पर सोनिया उसे अच्छे से समझाकर उसे उसकी न्यू लाइफ शुरू करने में उसकी मदद करती है। अब वैल एक कोठे में काम करने का सोचती है, और इसलिए वो एक कोठे में जाती है और उस कोठे की मालकिन से वहाँ काम करने का पूछती है, जहाँ कोठे की मालकिन वैल से पूछती है कि तुम क्या क्या कर सकती हो, जिस पर वैल कहती है, मैं तितली का चमगादड़ से लेकर तेल चटाई तक सब कर सकती हूँ। और ये सब सुनने के बाद कोठे की मालकिन वैल को काम पर रख लेती है। अब जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया उसे ये सब करने से मना कर देती है, पर वैल उसकी बात नहीं मानती। अब इधर कोठे में वैल की मुलाकात एक कच्ची नाम की इंडिया से होती है, और कच्ची का एक सैंपल भी है जो दूसरी सिटी में कच्ची की मोम के साथ रहता है। अब वहीं कोठे में पेट्रो और जियोवानी नाम के दो रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, और इधर वैल अपने इस तेल चटाई वाले काम से बहुत खुश होती है। अब वहीं एक दिन जियोवानी वैल को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, और बस रिंग को देखकर वैल उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगती है। पर यहां कच्ची वैल के सपने तोड़ते हुए बोलती है, इस प्रोफेशन में कोई अच्छा मर्द नहीं आता, इसलिए तुम ज्यादा सपने मत सजाओ।
पर इधर वेल कच्ची की बातों को इग्नोर कर देती है और जियोवानी की रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जियोवानी वेल को एक होटल में बुलाता है जहां वो अपने दोस्त के संग होता है और इधर वेल के साथ एक लड़की और होती है और वेल जियोवानी को देखकर बहुत खुश होती है। पर जब वो अंदर जाते हैं तो जियोवानी वेल के साथ जो दूसरी लड़की आई थी उसके साथ अंदर चला जाता है और वेल को अपने दोस्त के साथ भट्टाभट करने भेज देता है और ये सब देखकर वेल बहुत उदास हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वेल पेट्रो के पास जाती है और यहाँ पेट्रो वेल को शादी के लिए बोलता है पर वो उसे मना कर देती है। अब ये सुनकर पेट्रो को बहुत गुस्सा आता है और वो वेल के साथ गुस्से में दबाकर भट्टाभट करता है और इस दौरान वेल को बहुत दर्द होता है और इसलिए वो बिना पैसे लिए ही वहां से चली जाती है। अब वेल जब कोठे पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कच्ची ने सुसाइड कर ली है क्योंकि कोर्ट ने उसके बच्चे की जिम्मेदारी उसके फादर को सौंप दी है। अब कच्ची के डेथ के बाद वेल बहुत सैड हो जाती है जिसके बाद वेल को एक ऐसे लड़के के पास भेज दिया जाता है जो अपाहिज होता है जो कि खुद से कुछ नहीं कर पाता पर वो लाइफ में खुद से प्यार करना नहीं छोड़ता क्योंकि लाइफ में खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है और जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो तुम दूसरों से भी प्यार कर सकते हो। अब ये बात वेल के दिल को छू जाती है और वो इस धंधे को छोड़ने का मन बना लेती है और जब ये बात कोठे की मालकिन को पता चलती है तो वो उसे धक्के मार कर वहां से बाहर निकाल देती है। अब वेल पहले से बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं एक दिन वेल बारिश में भीगते भीगते सोनिया के घर उसे थैंक यू बोलने जाती है पर वहां सोनिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो कि उसे शादीकरो.com पे मिला था। अब वेल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो सोनिया को उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे थैंक यू गिफ्ट देकर वहां से चली जाती है। और जब वो अपने घर जा रही होती है तो उसे उसके बिल्डिंग में उसे वही लड़का दिखता है जो उसे नहाते वक्त छिप छिप कर देखा करता था और अब वेल उस लड़के को अपने साथ रूम में चलने को बोलती है पर वो लड़का कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, जिस पर वेल कहती है अब मेरे को पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को पैसिनेट होकर किस करने लगते हैं और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।